हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोमैट। और अगर आप अभी तक टेक्नोमैट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे टेक वीडियोस लेकर आती रहूंगी। इन दिनों बहुत से लोगों का पेंडोरा, स्पॉटिफाई, गूगल पे म्यूजिक या एप्पल म्यूजिक जैसे कुछ प्रकार के म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज में ट्रांसफर दिया गया है। हालांकि हम में से ऐसे लोग हैं जो मीडिया से हमारे कलेक्शन पर लटकाते हुए, क्योंकि स्ट्रीमिंग अभी तक काफी अच्छी नहीं हुई है। यदि आपके पास अपना खुद का म्यूजिक कलेक्शन है और स्टॉक म्यूजिक प्लेयर आपके लिए यह नहीं लाया है, तो एंड्रॉइड पर बेस्ट म्यूजिक प्लेयर ऐप के लिए हमारी पसंद यहाँ दी गई है। कृपया ध्यान दें, अगर आप ऐसा कोई ढूंढ रहे हैं जो लोकल म्यूजिक प्लेस करता हो और म्यूजिक भी स्ट्रीम्स करता हो, तो आपकी बेस्ट शर्त गूगल पे म्यूजिक है। इन 10 ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे लिंक्स पर इजी जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्लैक प्लेयर म्यूजिक प्लेयर। ब्लैक प्लेयर एक साधारण लेकिन एलिगेंट म्यूजिक प्लेयर है जो आपके और आपके म्यूजिक के बीच बहुत कम रखता है। यह एक टैब स्ट्रक्चर पर काम करता है और आप केवल उन लोगों का यूज करने के लिए टैब को कस्टमाइज कर सकते हैं जिन्हें आप एक्चुअली चाहते हैं। इसके टॉप पर इसमें एक इक्वलाइजर, विगेट, स्कोबलिंग, एक IDC टैग एडिटर, नो थीम और फॉर मोस्ट यूज की जाने वाली म्यूजिक फाइल के लिए सपोर्ट नहीं है। यह बेहद सरल और मिनिमलिज्म के फैंस के लिए एक शानदार ऑप्शन है। फ्री वर्जन एक बहुत ही बेयर बोन्स है जो पेड वर्जन के साथ बहुत अधिक फीचर्स प्रोवाइड करता है। यह कोशिश करने लायक म्यूजिक प्लेयर ऐप में से एक है। नंबर 2, जेट ऑडियो HD म्यूजिक प्लेयर प्लस। जेट ऑडियो एंड्रॉइड यूजर का एक लॉन्ग टाइम फेवरेट ऐप है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक बेहतर होने के लिए इनफ फीचर्स हैं, लेकिन अभी भी हर किसी के यूज के लिए ये इनफ सिंपल है। इसमें एक प्रकार के ऑडियो इन्हेंसमेंट जो प्लगइन्स के रूप में आते हैं, ताकि आप अपने जोड़े म्यूजिक एक्सपीरियंस को नॉर्मल से थोड़ा अधिक ट्विस्ट कर सकें। इसके टॉप पर एक इक्वलाइजर, बेस बूस्ट, टैग एडिटर, विगेट, यहाँ तक कि MIDI प्लेबैक जैसे सिंपल इफेक्ट के साथ मौजूद है। फ्री और पेड वर्जन लगभग समान है। पेड वर्जन सिर्फ एडवर्टाइजिंग हटा देगा और थीम्स को जोड़ देगा। नंबर 3, मीडिया मंकी म्यूजिक प्लेयर ऐप बिजनेस में एक डार्क हॉर्स है। इसमें कई प्रकार के फीचर्स जिनमें ऑडियो बुक, पॉडकास्ट एंड म्यूजिशियन जैसे सॉन्ग को सॉर्ट करने की एबिलिटी इंक्लूड है। इसमें एक इक्वलाइजर जैसी बेसिक चीजें भी हैं। मीडिया मंकी को वास्तव में यूनिक म्यूजिक प्लेयर बनाता है जो आपके म्यूजिक लाइब्रेरी को आपके कंप्यूटर से वाईफाई और आपके फोन से स्कैन करके एबिलिटी रखता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है, लेकिन वर्चुअली एक तरह का फीचर है। इंटरफेस सिंपल जो आपके ऐप का ओवरऑल सॉलिड ऑप्शन है। नंबर 4, म्यूजिकोलैट म्यूजिक प्लेयर। म्यूजिकोलैट एक नो BS म्यूजिक प्लेयर ऐप है। इसमें कई डिजायरेबल फीचर्स हैं जिनमें से कई लोग जिन्हें अक्सर म्यूजिक प्लेयर ऐप से जोड़ सकते हैं। इनमें वास्तव में ऑफलाइन एक्सपीरियंस, लाइट विथ UI और स्मॉल APK साइज शामिल है। इसके अतिरिक्त ऐप में कई यूनिक एक इक्वलाइजर, टैग एडिटर, एम्बेडेड लिरिक्स, विगेट, फोल्डर ब्राउजिंग एक्सेट्रा के लिए सपोर्ट शामिल है। इसका कोई बकवास अप्रोच रिफ्रेशिंग नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर चाहते हैं जो बिना एक्स्ट्रा स्टफ के सॉन्ग्स बजाए या बिना किसी ऐप परचेज की तरफ पूरी तरह फ्री है। इंटरनेट एक्सेस की कमी के कारण कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है। नंबर 5, न्यूट्रॉन म्यूजिक प्लेयर। न्यूट्रॉन म्यूजिक प्लेयर एक म्यूजिक ऐप है जो लगभग उतना ही पॉपुलर है जितना प्रोबेबली होना चाहिए। इसमें एक 32/62 bit ऑडियो रिडेंडरिंग इंजन है जो एंड्रॉइड OS से इंडिपेंडेंट है। विचार यह है कि यह म्यूजिक साउंड को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। इसमें कई अदर फीचर्स भी हैं जिसमें अधिक यूनिक फाइल टाइप, एक बिल्ट इन इक्वलाइजर और कई अदर ऑडियो फाइल स्पेसिफिक फीचर्स के सपोर्ट शामिल हैं। ये थोड़ा महंगा, लेकिन कई लोग अपने जाने माने म्यूजिक प्लेयर ऐप के रूप में इसे कसम खाते हैं। नंबर 6, फोनोग्राफ म्यूजिक प्लेयर। फोनोग्राफ नए म्यूजिक प्लेयर ऐप्स में से एक है। ये खुद का सिंपल होने के फॉर्म्स में बिल्ट किया जाता है। हालांकि यूज करने में आसान, ज्यादातर मामलों में ये सफल होता है। इसमें एक क्लासिक सिंपल मटेरियल डिजाइन UI है। आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाने की जल्दबाजी है। यदि आप चाहें तो थीम भी बदल सकते हैं, लेकिन थीम एडिटर स्पेशल अपीयरेंस से पावरफुल नहीं है। इसके साथ आप last.fm इंटीग्रेशन, एक टैग एडिटर, प्लेलिस्ट फीचर्स, होम स्क्रीन विगेट एंड कुछ अदर नेविगेशन फीचर्स भी पा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत ही सिंपल है जो ग्रेट ऑप्शन बिना किसी तरीके के अपना म्यूजिक सुनना चाहते हैं। यह कोशिश करने लायक एक म्यूजिक प्लेयर है। नंबर 7, प्लेयर प्रो म्यूजिक प्लेयर। प्लेयर प्रो म्यूजिक प्लेयर
एक और कम ज्ञात म्यूजिक ऐप है जिसे थोड़ा और ट्रैफिक मिलना चाहिए। इसमें एक अच्छा दिखने वाला इंटरफेस है जो स्किन्स के साथ यूज करने में आसानी बनाता है, जिसे आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और अधिक कस्टमाइजेशन के लिए इंस्टॉल करना अच्छा लगेगा। आपको वीडियो चलाने, रेयर 10 बेनिकुलाइजर, एंड्रॉइड ऑटो और क्रोम कास्ट सपोर्ट, वेरियस ऑडियो इफेक्ट्स, विडगेट्स और कुछ मजेदार लिटिल फीचर्स जैसी ट्रैक को बदलने के लिए फोन को हिला कर रखने की क्षमता भी इसमें शामिल है। यह हाईफाई म्यूजिक का भी सपोर्ट करता है। आप $4.99 निकालने से पहले ऐप को फ्री में डेमो कर सकते हैं। नंबर 8, पावर रैम म्यूजिक प्लेयर। पावर रैम लॉन्ग टाइम से एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जाने माने म्यूजिक ऐप्स में से एक है। इसमें थीम्स के साथ एक स्लिक इंटरफेस है जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कभी कभी इंटरफेस अपने स्वयं को अच्छा दिखाने में क्लेवर है, हालांकि यह इफेक्टिव और एफिशिएंट है। यह देखने के लिए थीम्स भी आप कैसे चाहते हैं। इसमें कई प्लेबैक फीचर्स इंक्लूडिंग गैपलेस प्लेबैक, क्रॉस फ्लैग शामिल हैं और इसमें कई प्रकार के प्लेलिस्ट का भी सपोर्ट किया गया है। आपको विगेट्स, टैग एडिटिंग और मोर कस्टमाइजेशन सेटिंग्स भी मिलेंगी। यह एक पावरफुल प्लेयर है जो लगभग हर किसी के साथ राइट कॉर्ड और स्ट्राइक करता है, हालांकि कभी कभी सभी एप्स की तरह कभी कभी हिकअप्स होती हैं। नंबर 9, पल्सर म्यूजिक प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, MP3 प्लेयर। पल्सर डेफिनेट रूप में सबसे अच्छा म्यूजिक प्लेयर ऐप में से एक है। फीचर्स इंक्लूड्स में से किया गया है मटेरियल डिजाइन, टैग एडिटिंग, गैपलेस प्लेबैक, स्मार्ट प्लेलिस्ट, स्लीपर टाइम और last.fm स्क्रॉबलिंग शामिल है। पल्सर में क्रोम का सपोर्ट भी है जो कि कमाल का है। यह कुछ पेड ऑप्शंस के रूप में भारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा है। यह उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन है जो कम से कम हल्के और अच्छे दिखाने की तलाश में है। अगर यह मदद करता है तो एंड्रॉइड ऑटो के साथ एक अच्छी तरह काम करने वाला है। प्रो वर्जन भी सस्ता ही है। नंबर 10, शटल प्लस म्यूजिक प्लेयर। शटल प्लस म्यूजिक प्लेयर एक तेजी से पॉपुलर म्यूजिक प्लेयर है। डेवलपर ने थोड़ा सा ऐप अपडेट करने के लिए कुछ समय निकाला है, हालांकि ऐसा लगता है कि व्हील्स एक बार फिर मुड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही ऑप्शंस के साथ आता है। मटेरियल डिजाइन लैडर म्यूजिक प्लेयर माना गया है। इसमें एक 6-band EQ, गैपलेस प्लेबैक, एम्बेडेड लिरिक्स के साथ सपोर्ट है। टर्म्स ऑफ थीम, last.fm स्क्रॉबलिंग आदि भी शामिल है। प्रो जाने वाला लोग क्रोम का सपोर्ट, IP3 टैग एडिटिंग, फोल्डर ब्राउजिंग और यहाँ तक कि अधिक ही ऑप्शंस भी प्राप्त कर सकते हैं। यह क्या है? यह एक फनी म्यूजिक प्लेयर ऐप है और एक के लिए एक्सीलेंट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक एंड शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।